फॉर यू विद न्यू टॉपिक ओके व्हाट इज अवर न्यू टॉपिक वर्क एंड एनर्जी है ना तो बच्चों अभी तक हमने ग्रेविटेशन लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाए होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बहुत सारे करवाए सी वर्मा से और बहुत सारी बुक्स से मैंने क्वेश्चन आपको तो आज हम क्या करने वाले हैं वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं तो पेन और कॉपी उठाओ और नोट्स बना दे जाओ ओके चैंपियंस सो लेट्स वर्क वट इज वर्क बच्चों यू वट इज वर्क वट इज वर्क वर्क क्या होता है वर्क को हम क्या बोलते हैं हिंदी में क्या मीनिंग है कार्य है ना इसकी हिंदी मीनिंग क्या है कार्य ठीक है बच्चों से पूछा जाता है वट इज वर्क तो बच्चे बोलते थे सर काम है हा ना हाँ ठीक है उसकी हिंदी मीनिंग तो काम होती ही है पर एक्चुअल डेफिनेशन तो काम नहीं होगी ना बच्चों तो हमको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में वर्क की डेफिनेशन होती क्या है एक्चुअल में वर्क होता क्या है कहां पे वर्क होता है कहां पे वर्क नहीं होता है तो वर्क इज डन बाय अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन डेफिनेशन क्या है वर्क इज डन बाय अ फोर्स प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस मोशन ठीक है कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं अगर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है है हाँ ना किसी फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है मोशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम कहेंगे वर्क कहेंगे उसको क्या कहेंगे वर्क बोलेंगे ठीक है वर्क इज डन बाय अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन ठीक है कोई भी फोर्स हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो अगर उस पर मोशन स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर क्या हो जाता है मोशन स्टार्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ उस पर वर्क हो रहा है क्लियर है तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि इंजन ट्रेन इंजन फॉर एग्जाम्पल इंजन अब इंजन क्या करता है इंजन क्या करता है इंजन फोर्स अप्लाई करता है पूरी ट्रेन के ऊपर ट्रेन के ऊपर क्या करता है फोर्स अप्लाई करता है और अप्लाई करता है और ट्रेन क्या हो जाती है उसके पीछे पीछे मोशन करने लगती है है ना तो वहां पे हम बोलेंगे कि वर्क इज डन क्लियर है और हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट हॉर्स कार्ट समझते हो ना बच्चों घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना हम लोग घोड़ा गाड़ी तो ये हॉर्स कार्ट क्या करता है हॉर्स क्या करता है पहले चलती थी घोड़ा गाड़ी चलती थी पहले स्टेशन वगैरह में है ना अभी भी कुछ जगहों पे यूज़ होते हैं ऐसा नहीं है सारी जगह पे यूज़ नहीं होता ऐसा नहीं है कुछ कुछ जगहों पे हॉर्स कार्ट अभी भी अवेलेबल है तो हॉर्स क्या करता है यहाँ पे हॉर्स उसको खींचने का काम करता है फोर्स अप्लाई करता है अब हॉर्स जा रहा है जा रहा है टिक डिक 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 उसने क्या किया फोर्स अप्लाई किया फ़ोर्स अप्लाई किया तो उसके पीछे जो कार्ट लगी रहती है जिसमें क्या होता है पैसेंजर्स वहाँ पर बैठते हैं सिट करते हैं है ना और ट्रैवलिंग करते हैं उसमें बैठ के तो वो क्या करता है फोर्स अप्लाई किया कार्ड के ऊपर तो कार्ड क्या हुआ उसके साथ साथ मूव करने लग गया तो हमने हम कहेंगे कि वर्क इज डन डन बाय हॉर्स ऑन कार्ट हॉर्स ने क्या किया कार्ड के ऊपर वर्क किया उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसको मोशन में लेके आया समझ में आ रहा है बच्चों क्लियर है ना तो बेसिकली वर्क की डेफिनेशन हमको समझ में आई कि वर्क जो है जब हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए मूवमेंट करने लगे तो उस उसको हम क्या कहेंगे वर्क कहेंगे ठीक है क्लियर है बच्चों तो यहां पे हमने देखा वर्क की डिपेंडेंसी वर्क डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड depend करेगा डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फोर्स अप्लाइड है हाँ ना हमने देखा क्या देखो वर्क इज डन बाय अ फोर्स जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस पर मोशन नहीं होगा मोशन नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा क्लियर है वर्क इज नॉट डन तो किस पर डिपेंड करेगा वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड दूसरा मोशन मोशन पे डिपेंड करेगा अगर ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया और उसके अंदर कोई मोशन जनरेट ही नहीं हुआ तो मोशन जनरेट नहीं हुआ तो वर्क इज नॉट डन वर्क डन ही नहीं होगा वहां पे वहां पे वर्क की डेफिनेशन फुलफिल ही नहीं होगी क्लियर है समझ में आ रहा है ना वर्क क्या है एक्चुअल में जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जब तक उस पर मोशन नहीं आ जाता है तब तक आप नहीं कहेंगे कि वहां पर वर्क किया है आपने क्लियर है तो मोशन या फिर आप बोलोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दो चीजों पे डिपेंड करता है ठीक है डिस्टेंस या फिर ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों तो सेम ही होता है हम पढ़े यहां पे मोशन चैप्टर में मोशन टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेम होता है तो किसी किसी बुक्स में आप देख देखे हो आप वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ऐसे लिखा हुआ है और किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है कि वर्क जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो बोथ आर सेम थिंग ठीक है अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है ए टू बी ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है या बी टू ए ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ सेम हो जाते हैं क्लियर है तो बेसिकली किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा वर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है एक तो फोर्स अपलाइड किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा और मोशन पे डिपेंड करेगा या फिर मोशन या फिर मोशन किस के, किस फॉर्म में आएगा पे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आएगा तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है इन्हीं दोनों डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग वर्क का क्या किया गया फॉर्मूला जनरेट किया गया तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं नो no इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट यह हमको फॉर्मूला मिल गया क्लियर है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्क को हम क्या लिखते हैं W से डिनोट करते हैं फोर्स को तो पता ही है F से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट का भी पता है S से डिनोट करते हैं तो क्या हो गया फार्मूला वर्क इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस फार्मूला हो गया क्लियर है बच्चों वर्क इज इक्वल टू वर्क डन क्या हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिसमेंट फॉर्मूला हो गया अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए फोर्स के अलॉन्ग डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब हम वहाँ पे कहेंगे वर्क इज डन तो क्या सर अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या वहाँ वर्क डन होगा 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 बच्चों वहाँ पे भी वर्क डन हो तो उसका भी केसेस हम देखेंगे कि कैसा होगा तो क्या होगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे तो यहाँ तक हमको क्लियर है कि वर्क जो है बेसिकली क्या होता है जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई ना किया जाए उसको मोशन में लाने के लिए मोशन में जब मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था है ना फोर्स एंड लॉज में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन क्या होता है फर्स्ट लॉ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट uh, पे है तो जब तक उस पर फोर्स ना अप्लाई किया जाता तब तक, तक वो रेस्ट पे रहेगा या मोशन में है तो जब तक वो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए है ना उसको रोकने के लिए या उसको मोशन में लाने के लिए तो सेम चीज यहां पे भी, भी आपको अप्लाई करनी है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको मोशन में लाने के लिए तो आप जब तक उसको मोशन में लाने के लिए उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक उस पर कोई वर्क नहीं होगा या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है बिल्कुल मूव कर ही नहीं रहा है तो वहां पर भी वर्क इज नॉट डन फॉर एग्जाम्पल दिस वॉल मैं इस वॉल को क्या कर रहा हूँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ है ना मैंने इस बोर्ड को क्या किया फोर्स अप्लाई किया वॉल को फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अब ये तो मूव ही नहीं कर रहे हैं पर आप हाँ बोलोगे कि हमने तो फोर्स अप्लाई किया सर है ना तो यहाँ पे वर्क होना चाहिए नहीं यहाँ पे वर्क नहीं होगा ये देखो मूव करेगी वॉल मूव करेगी क्या नहीं करेगी तो जब तक फोर्स अप्लाई करने फोर्स अप्लाई करने के बाद जब तक मोशन नहीं आ जाता उस ऑब्जेक्ट पे तब तक, तक हम कहीं कह नहीं सकते कि वर्क इज डन क्लियर है बच्चों वर्क एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है उसके बाद हमने देखा कि दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा फोर्स और मोशन पर डिपेंड करेगा मोशन किस फॉर्म में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में तो वर्क का हमने फॉर्मूला बना लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क वर्क डन उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं डब्लू इज इक्वल टू एफ इंटू एस ठीक है तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है किसके अलांग होना चाहिए अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फोर्स के फोर्स के डायरेक्शन के अलांग होना चाहिए क्लियर है यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आया चलो एकदम अच्छे से क्लियर है ठीक यूनिट यूनिट देखते हैं आप यूनिट ऑफ वर्क यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एफ इनटू एस ठीक है फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर तो न्यूटन मीटर वर्क डन की यूनिट क्या हो गई न्यूटन मीटर इसी को हम क्या लिखते हैं इसी को हम लिखते हैं जूल इसी को हम क्या लिखते हैं जूल जिसको सिंबल क्या होता है कैपिटल जी न्यूटन मीटर को ही हम क्या लिखते हैं जूल तो आप ऐसा ही यूनिट लिख सकते हो वर्क डन की क्या यूनिट ऑफ वर्क ऐसा यूनिट ये कौन सी यूनिट है ऐसा SI यूनिट है क्या है जूल ठीक है ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर या फिर जूल न्यूटन न्यूटन मीटर जो है उसी को हम क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी सर तो सीजीएस यूनिट भी बता देता हूं मैं सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है डन की इज अर्ग क्या होती है अर्ग होती है ठीक है ई आर जी अर्ग अब इसमें रिलेशन पूछा जाता है कि वन जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी हाउ मच अर्ग वन जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग अब इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है बच्चों ई e मत लिख देना अर्ग खुद एक शॉर्ट फॉर्म है ठीक है तो अर्घ का शॉर्ट फॉर्म ई मत लिख देना ठीक है तो जूल का शॉर्ट फॉर्म बोले जे है पर अर्घ का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है आपको ई आर जी ही लिखना है ठीक तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं आपके एग्जाम में तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हमको पता है वन जूल इज इक्वल टू अच्छा इसको अर्घ या फिर हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन को हम क्या लिखते हैं डाइन है ना सी न्यूटन का सीजीएस क्या होता है डाइन होता है पढ़ चुके हैं हम लोग है ना फर्स्ट चैप्टर मोशन में हमने ये सब पढ़ा है और मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर तो ये डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं ठीक है तो वन जूल को हम क्या लिख सकते हैं वन न्यूटन मीटर तो वन न्यूटन मीटर अब आपको न्यूटन और मीटर न्यूटन और डाइन में अगर रिलेशन पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अदरवाइज नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं न्यूटन न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है न्यूटर। न्यूटर न्यूटर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है तो यहाँ पे लिख दो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन मीटर ठीक है अब हमको क्या करना है सब सारी यूनिट्स को सी जी एस में कन्वर्ट करना है तो सी जी एस में कन्वर्ट करो वन के जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम है, तो है। is equal to 1000 gram, ना थाउजेंड ग्राम मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये भी हंड्रेड सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटर सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा ठीक है ये देखो थ्री टू फाइव टू सेवन टू टेन टू दावर क्या लिख सकते हैं सेवन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये बन गया अब यहाँ तो चाहो तो आप ऐसे लिख लो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर अब ये जो है ये हमारा क्या होता है डाइन होता है यही हमारा क्या होता है डाइन तो डाइन सेंटीमीटर ठीक है ऐसे ये डैश होता है बच्चों कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये डाइन माइनस सेंटीमीटर है माइनस नहीं होता है दो यूनिट को लिखने का तरीका होता है उनके बीच में हम डैश करके लिखते हैं ठीक है दो यूनिट को एक साथ जब भी हम लिखते हैं तो तो डाइन सेंटीमीटर हो गया अब इस डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं तो तो इक्वल हमको कितना मिला टेन तो पावर सेवन अर्क। तो ये आपको याद रखना बच्चों रिलेशन और वन न्यूटन टू हमने फाइंड आउट किया था तो वन न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है वन, टेन तो, पावर तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए इनमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं ठीक है

ठीक है अब इसके आगे हम क्या करेंगे इसके आगे हमको करना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ठीक है अगेंस्ट ग्रेविटी डन की डन का फॉर्मूला क्या होगा ये हमको देखना है तो डन का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि क्या होता है एफ इंटू एस होता है ठीक है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अब जब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करूंगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मान लो कि कोई बॉल है उसको हमने क्या, क्या किया ड्रॉप किया ये बॉल है इसको हमने क्या किया ड्रॉप किया तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो रहा है अगेंस्ट नहीं हुआ अब आप बोलोगे कि सर ये तो अलाउंग ग्रेविटी हो गया चलो अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ऊपर हम बॉल को क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं ये हमने थ्रो किया तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया ठीक है तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया तो अब इस पर देखो इस पर देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या होता है उसका वेट वेट का फॉर्मला क्या होता है एम जी ये तो फोर्स है हमारा हमने देखा था वेट को ही हम फोर्स बोलते हैं ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया है बच्चों आपको कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट uh, लगता है उनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस वो एक फोर्स के इक्वल होता है ठीक है तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अब जैसे मान लो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया एच हाइट तक गया तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे एम जी और एस की जगह पे एच तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला एम जी एच अगेंस्ट क्या हो गया ग्रेविटी का फॉर्मूला अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम वॉकडाउन का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है एम जी एच ठीक है क्लियर है बच्चों नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी एच हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ऊपर या नीचे तो एच हाइट है पर जाएगा तो एच एस की जगह हम क्या लिख देंगे एच और फोर्स जो है उसका वो क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा जो कि एम जी हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एम जी एच तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों अ कार weighing थाउजेंड के जी एक कार है जिसका वेट दिया हुआ है हमको कितना थाउजेंड के जी मास दिया हुआ है थाउजेंड के जी ठीक एंड ट्रेवलिंग एट थर्टी मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग एट थर्टी मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल वेलासडी दी हुई है थर्टी मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी मीटर फिफ्टी मीटर ट्रैवल करने के बाद मतलब डिसप्लेसमेंट कितना है उसका फिफ्टी मीटर ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप हो जा रहा है मतलब फाइनल वेलासडी क्या हो गई जीरो हो गई फाइनल वेलासडी जीरो हो गई है न डी एक्स लेटरिंग यूनिफॉर्मली ठीक है कोई बॉडी अगर क्या होती है ट्रेवल कर रही है कर रही है और ऑटोमेटिक वो क्या होते जा रही है स्लो होते जा रही है और स्टॉप हो गई तो वहां पे क्या होता है डीएक्सलेशन होता है मोशन में हमने पढ़ा था तो यहाँ पे क्या हो रहा है डीएक्सलिंग हो रहा है यूनिफॉर्मली व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स अब ब्रेक्स के कारण कितना फोर्स उस पर अप्लाई हुआ अब हमको क्या आ, और क्या फाइंड आउट करना है वट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ब्रेक्स के कारण ब्रेक्स ने कितना उस उसपे वर्क किया पहली बात उसमें फोर्स अप्लाई किया ब्रेक नहीं है ना अब वो मोशन में था मोशन में था तो उसको स्टॉप में लाया तो उस, इस, इसका मतलब क्या है उसने क्या किया उस पर वर्क किया तो वर्क डन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कर, ठीक है तो पहले फोर्स फाइंड आउट करते हैं फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एम इंटू ए यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू गिवन है क्या नहीं है गिवन टी की वैल्यू भी गिवन नहीं है टाइम नहीं तो एक्सपरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी कर लेते तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब फाइंड फाइंड आउट आउट करना पड़ेगा करने के लिए हमको मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा तो फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं अप्लाई कर सकते उसमें टी है सेकेंड इक्वेशन में भी डी है तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्स टू ए एस क्लियर है तो वी की वैल्यू जीरो यू की वैल्यू कितनी कि है थर्टी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस की वैल्यू कितनी है फिफ्टी अब क्या करो इसको ट्रांसपोज करो तो ये नाइन हंड्रेड हो जाएगा माइनस हो जाएगा इधर आके और ये कितना हो जाएगा हंड्रेड ए तो एक्सलरेशन इज तो देखो जीरो 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 कैंसिल कितना आ जाएगा माइनस नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सलरेशन जब नेगेटिव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं डी डीएक्सलेशन बोलते हैं तो मैंने क्वेश्चन में भी बोला है कि वो क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली डी डीएक्सलट हो रहा है आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एम की वैल्यू कितनी है थाउजेंड ए की वैल्यू कितनी है माइनस नाइन तो फोर्स कितना लगा फोर्स कितना लगा एफ इज इक्वल टू ये नाइन है ना माइनस नाइन थाउजेंड न्यूटन अब नेगेटिव फोर्स लगा ऑब्वियस ही बात है ठीक तो है वर्क डन फाइंड आउट करो डन इज इक्वल टू एफ इन टू एस तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है एफ की वैल्यू हमारी आई थिंक माइनस नाइन थाउजेंड इंटू डिस कितना उसने ट्रेवल किया फिफ्टी मीटर तो वर्क वर्कडाउन उसका कितना हो गया जीरो 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 नाइन फाइव फाइव जो फोर्टी ठीक है माइनस फोर्टी फाइव कितने जीरो हो गए माइनस फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं माइनस फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर वन टू थ्री फोर फाइव टेन टू दावर फाइव ज्यूल इतना उसने वर्क डाउन किया नीचे दिख रहा है ना बच्चों माइनस फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर तो क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है सर बिल्कुल हो हो है. है? कैसे होगा देखेंगे आप यहां पे नेगेटिव यह क्यों हुआ डन नेगेटिव क्यों हुआ क्योंकि उस पर जो उस... वो क्या हुआ ट्रेवल करते क्या? ब्रेक अप्लाई किया हमने तो ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई किया तो, किया, तो क्या हुआ वो देखो हमने ब्रेक अप्लाई किया अब ब्रेक अप्लाई किया तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है हाँ ना या फिर आप ब्रेक अप्लाई नहीं किया तो फुटबॉल का केस ले लेते हैं तो फुटबॉल क्या होता है फुटबॉल को आप किक करते हैं तो वो धीरे 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 स्लोली 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 जाके क्या हो जाता है रुक जाता है क्यों रुक जाता है क्योंकि फुटबॉल में वो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में बट इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने लगता है फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है उस पर ठीक है मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो यहां पे भी वही केस हुआ इसलिए वॉकडन क्या आ गया नेगेटिव आ गया क्लियर है तो ये देखेंगे कैसे नेगेटिव आता है तो इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा वर्क डन बाय obliquely work done by a force acting obliquely ठीक है अब हम डन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कोई फोर्स जो है वो क्या हो रहा है ऑब्लिकली अप्लाई हो रहा है तो ऑब्लिकली मतलब क्या होता है जैसे कि बचपन में आप लोग भी खेले होंगे टॉय कार में हम क्या करते हैं ये हमारी टॉय कार ये हमारी टॉय कार इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे थ्रेड से अटैच कर देते हैं है ना ये थ्रेड से हम क्या कर देते हैं ऐसे अटैच कर देते हैं और ये फिर उसको हम पुल करके खेलते रहते हैं इसके साथ क्लियर है कि यहाँ पे भी ऐसी था एक बच्चा है उसको क्या कर रहा है पुल कर रहा है यहाँ पे ये बच्चा उसको क्या कर रहा है पुल करने का काम कर रहा है और उसको खींच रहा है ठीक है तो ये टॉय कार क्या हो रही है अब ये टॉय कार ऐसा तो नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है इस Muhy... डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है कार ऐसे चलने लग गई नहीं कार किस तरफ चलती है इस तरफ चलती है ये होता है मोशन ये मोशन का डायरेक्शन है फोर्स का डायरेक्शन उधर है तो ऑब्लिकली मतलब ये क्या कर रहा है कुछ एंगल बना रहा है जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा है ना फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है ये हमारा फोर्स ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये मोशन का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन है दोनों के बीच में क्या बन रहा है आप एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं मॉब्लिकली ठीक है तो ये गेम हमने बचपन में आप लोगों ने भी बहुत खेला होगा है ना तो यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है उसमें भी पता नहीं होगा ना बचपन में कि यहाँ सर क्या क्या कहाँ कहाँ पे फिजिक्स होता है नहीं बचपन में हमको नॉलेज ही नहीं था कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हम एक्चुअल में फिजिक्स कर रहे हैं और उसी सब्जेक्ट से हम बड़े होके क्या करते हैं डरते अरे यार फिजिक्स बहुत टफ है है ना डरने लगते हैं पर एक्चुअल में देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में सब तरफ क्या है फिजिक्स है ठीक है बचपन से ही हम फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं <laughs> तो फोर्स और मोशन के बीच में क्या हो गया डायरेक्शन आ गया क्या एंगल uh, आ गया थीटा अब जब भी क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे अप्लाई होती है जैसे ये फोर्स है तो एंगल पे अप्लाई होती है इसको रिजोल्व करना रहता है इसको बोलते हम रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन ठीक है रिजोल्व करना रहता है तो ये दो कंपोनेंट बनाता है हमेशा शायद मैं पहले भी बता चुका हूं तो फिर से बता दे रहा हूं कि हमेशा दो कंपोनेंट बनाता है तो जिस साइड के अला वो थीटा एंगल बनाएगा जिस साइड के वो थीटा एंगल बनाएगा उस तरफ होता है थीटा उसी एक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर क्या होता है साइन थीटा तो ये एफ के दो कंपोनेंट बन गए एफ थीटा और एफ साइन थीटा क्लियर है वर्क डन इज टू फॉर्मूला क्या होता एफ इंटू एस

और इस तरफ लग रहा है एफ थीटा तो ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा लग रहा है तो उसके पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कार के ऊपर और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है एफ थीटा इसके कारण इफेक्ट पड़ेगा जिसके कारण कार क्या होगी आगे की तरफ जाएगी जब भी ऑब्लिकली अप्लाई करते हैं हम फोर्स तो वो दो कंपोनेंट बना लेता है और वो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसी के कारण क्या होती है कार आगे की तरफ मूव करती है एक तरफ से आप ऐसे समझ सकते हो और दूसरी तरफ से आप ये बोल सकते हो कि मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलॉन्ग फोर्स ऑफ डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलांग होती है डिस्प्लेसमेंट हमेशा तो देखो मोशन किस तरफ हो रहा है इस तरफ हो रहा है और इसी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है F cos थीटा तो यहाँ पर वर्कडाउन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा F cos थीटा इंटू डिसप्लेसमेंट ये डन का फॉर्मूला आपको याद रखना है आपको इलेवेंथ क्लास में भी यही काम आएगा आगे okay, जब जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक यही काम आएगा ठीक है एफ कॉस थीटा इज इन टू एस वेयर वेयर ये जरूर पता होना चाहिए थीटा इज व्हाट इज थीटा थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये जो थीटा होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है बच्चों क्लियर समझ में आया क्लियर है <laughs> अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया ना बच्चों कि वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी है देखो फोर्स जो तो है वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है ठीक है तो क्या वर्क डन भी वेक्टर क्वांटिटी है नहीं वर्क डन जो होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है

एक डब्बा बना लेता हूँ कार का ये हमारी कार है इस पर क्या हो रहा है हमने थ्रेड लगाया जो कि क्या कर रहा है सिक्सटी डिग्री एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है सिक्सटी डिग्री एंगल पर क्या कर रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टेन मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तब अब इस पर डन फाइंड आउट करना है तो आप क्या लगाओगे एफ कॉस्टा थीटा टू डिसमेंट ये फॉर्मूला लगाओगे तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है अच्छा कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो तो मैंने बताया ही नहीं तो हम ले लेते हैं फाइव न्यूटन क्या ले लेते हैं फाइव न्यूटन ले लेते हैं ठीक है तो एफ की वैल्यू कितनी होती है फाइव कॉस कॉस्ट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस्ट सिक्सटी डिग्री डिस्प्लेसमेंट कितना है टेन तो ए डब्ल्यू वर्कडउन इज इक्वल टू कॉसटी की वैल्यू होती है बच्चों वन बाय टू कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है वन बाय टू तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वन बाय टू पुट करेंगे इन टू टेन तो ये टू वन कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ज्यूल आ जाएगा क्लियर है बच्चों ओहो चिच्छी ये ट्वेंटी फाइव जूल आंसर वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल तो हमने जूल में लिख दी क्योंकि न्यूटन भी ऐसा यूनिट है मीटर भी ऐसा यूनिट तो समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों एंगल दिया रहेगा तो एंगल आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा तो सर एंगल तो कुछ भी दिया रहेगा फोर्टी फाइव डिग्री भी हो सकता है तो मैं कुछ वैल्यूज आपको लिखवा देता हूँ कॉस के लिए जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री हो तो कॉस जीरो की वैल्यू वन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन बाय रूट टू सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है वन बाय टू और नाइन्टी डिग्री की वैल्यू होती है जीरो तो ये आप नोट कर लो बच्चों और हो सकता है तो लर्न कर लो ठीक है क्योंकि कॉस थीटा तो मिलना ही मिल रहा है और थीटा का एंगल तो कुछ भी हो सकता है सर इसके अलावा कुछ होगा तो एंगल तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा बच्चों आपके सिलेबस में होगा भी तो आपको जो भी एंगल होगा अब ऐसे लिख देना जैसे मान लो फोर्टी सेवन डिग्री आ गया तो फोर्टी सेवन डिग्री की वैल्यू तो हमको पता नहीं है वो फाइंड आउट करने का कुछ अलग ही तरीका होता है ना तो इतना आपके सिलेबस में अभी पूछेगा भी नहीं एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हो अगर मान लो यहाँ पे कॉस 47 डिग्री भी आता है तो आप आंसर क्या लिखोगे जैसे कि इसमें 47 डिग्री होता है तो टेन फाइव फोर्टी 47 डिग्री करके आप जूल करके आंसर छोड़ सकते हो ठीक है वैसे पूछेगा नहीं क्लियर है बच्चों इतना नोट कर लो नोट करना चाहो तो क्लियर है बच्चों समझ में आया तो इतनी सारी चीजें कहानी बताई मैंने क्या बताया कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ऑब्लिकली क्या होता है एफ थीटा इंटू एस होता है तो यहां से हमको समझ में आया सर हमको ये तो समझ यहां से क्लियर तो नहीं हुआ कि वर्क डन नेगेटिव कैसे होता है है ना उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था मैंने तो उसको हम देखेंगे कि नेगेटिव कब होता है तो डन आप नोट करो वर्क कैन बी फर्स्ट नेगेटिव वर्क कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा बच्चों नेगेटिव कब होगा जब मान लो सबसे पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है पॉजिटिव क्योंकि हमको पता रहता है एग्जांपल पॉजिटिव लिखते हैं। पॉजिटिव कब होगा जब क्या हो रहा है कोई फुटबॉल है उसको हमने किक किया है ना किक किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा मोशन भी क्या हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, है।, अच्छा तो तो इस है, है तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो जब जब क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो वर्क क्या होता है पॉजिटिव होता है तब वर्क क्या होता है पॉजिटिव होता है तो आप देख सकते हो कि जैसे मान लो एक लाइन ले लेता हूँ इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो आप देख सकते हो वैल्यू कि कितनी है, डिग्री है थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री? जीरो डिग्री तो का जो एंगल है वो कितना है जीरो तो आप वर्कडन का फॉर्मूला पुट कर सकते हो एफ कॉस जीरो डिग्री डिस्प्लेसमेंट तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है बच्चों इसकी वैल्यू होती है वन तो क्या हो जाएगा एफ इंटू देखो पॉजिटिव आ गया क्लियर है तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन कैसा होता है पॉजिटिव होता है नेक्स्ट सेकेंड हम देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव कैसे होता है ठीक है नेगेटिव कैसे होता है फिर इससे मैं क्या करूं इसी बॉल की बात करता हूं इस फुटबॉल को हमने क्या किया किक किया अब किक किया तो इस तरफ क्या हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया अब एक बात बताओ बॉल को हम किक कर देते हैं तो वो धीरे 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 स्लो होते जाता है स्लो होते जाता है और क्या हो जाता है रुक जाता है क्यों क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होने लगता है अब जब हम क्या करें ड्यू टू ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करें है ना फोर्स अप्लाई करने पर ही तो वर्क डन होगा ना ठीक है तो हमने जो अप्लाई किया किक किया उसके कारण तो पॉजिटिव मिला हमको पर उसमें लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके कारण भी तो वर्कडन हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्कडन देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच के थीटा की वैल्यू कितनी है डिग्री कैसे एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और इस तरफ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के बीच का देखो एंगल कितना है वन डिग्री स्ट्रेट लाइन बना रहे ना तो थीटा इज इक्वल टू डिग्री तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस वन एटी डिग्री इंटू एस अब जो नाइन्टी डिग्री की वैल्यू होती है वही वन एटी डिग्री की वैल्यू होती है याद रखना बच्चों नाइन्टी डिग्री कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या लिखवाया था मैं जीरो तो कॉस सॉरी सॉरी माय मिस्टेक जो जीरो डिग्री की वैल्यू होती है वही वन एटी डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों तो जीरो डिग्री की वैल्यू देखो कितनी है वन तो वन डिग्री की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वन होनी चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वन होनी चाहिए इसकी जगह पे वन पट करेंगे बट क्योंकि ये वन डिग्री मतलब सेकंड क्वार में आ जाता है ना ये हमारा सेकेंड क्वार आ गया इसी तरफ होता है ना 180 डिग्री सेकंड क्वारन में आ जाता है तो सेकंड क्वारन में कॉज जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है ये आपको याद रखना है कॉज की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है नेगेटिव मतलब 90 डिग्री के ऊपर जितने भी एंगल्स की वैल्यू लिखोगे आप सब नेगेटिव में लिखोगे तो एफ इंटू क्या हो गया माइनस वन इंटू एस तो वर्कडाउन क्या हो गया माइनस एफ इंटू एस ठीक है ये देखो पहले पॉजिटिव एफ एस मिल रहा था ये देखो वर्क डन क्या मिल रहा था पॉजिटिव मिल रहा था अब यहाँ पे क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है समझ में आया तो इसका मतलब क्या है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है तब वर्कडन कैसा होता है नेगेटिव होता है थर्ड थर्ड देते हैं थर्ड क्या होता है वर्क डन कैन बी जीरो अब सर वर्क डन जीरो कैसे होगा फोर्स भी अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई करेंगे तो तब भी जैसे फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तब भी उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होता है बच्चों सर ये कैसी कहानी है कब होता है तो इसका एग्जाम्पल है कूली कुली एग्जाम्पल ठीक है कुली का एग्जाम्पल आपने क्या होता है कि कुली क्या करता है आ, लगेज उठाता है आपका सर के ऊपर ऐसे लगेज उठाता है अब वो क्या करता है आ, पूरा आपका क्या करता है जैसे कि मान लो ये कूली है ये इसने क्या किया लगेज उठाया ऐसे आपका ये भारी भरकम बैग्स आपकी है ना इसने लगेज उठाया अब ये लगेज का क्या हो रहा है देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम वेट बोलते हैं एम और ये लगेज क्या हो रहा है देखो अब कुल इस तरफ जा रहा है तो लगेज भी क्या होगा इस तरफ जाएगा क्या होगा ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना तो अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना मिल रहा है बच्चों थीटा थीटाइज टू कितना मिल रहा है 90 डिग्री तो वर्क डन का फॉर्मुला लगा दो एफ कॉस 90 डिग्री इंटू एस तो वर्क डन कॉस्ट नाइनटी की वैल्यू हो कितनी होती है जीरो तो वर्क डन विल बी जीरो मतलब इसके द्वारा कोई वर्क किया ही नहीं गया फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो आप क्या करो बस स्टैंड पे खड़े हो नहीं समझ में एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको बस स्टॉप पे खड़े हो अब बस स्टॉप पे स्कूल की बस स्टॉप पे आप खड़े हो बैग को आप हैंगर के रखे हो अरे यहाँ कब आएगी बस कब आएगी बहुत थक गए हैं बहुत, बहुत टायर्ड हो गए हैं ना थक जाते हैं ना बैग एकदम कैरी कर करके है ना थक जाते हैं तभी तो आप स्कूल नहीं जाते हो क्या हाँ स्कूल जाने की इच्छा इसलिए नहीं होती बच्चों को अरे बहुत थक जाते हैं यार <laughs> तो बैग कैरी किए कैरी किए और हम वहाँ पे कंटिन्यूअसली खड़े हैं ना तो हम मोशन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैग का वेट लग रहा है है ना बैग का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पर वहाँ पे मोशन तो हो ही नहीं रहा है मोशन नहीं हो रहा है फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है देखो वर्क भी नहीं हो रहा है मोशन नहीं हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है वर्क भी नहीं हो रहा है और फिर भी हम थक गए क्यों थक गए क्योंकि वहाँ पे उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत वेट है बहुत वेट है उसके कारण वो क्या हो जाता है हमको शोल्डर में पेन होने लगता है और थकने थकने लगते हैं पर वहाँ वर्क डन हुआ क्या बच्चों वर्क डन तो जीरो है एक्चुअली जब हम वर्क करते हैं तभी थकते हैं अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा थोड़ी सी एनर्जी मेरी लॉस होगी और थोड़ा सा मुझे थक थकावट टायर्डनेस लगने लगेगी है ना बट वहाँ पर तो हम स्टॉप पर खड़े हैं तो हमने तो कोई वर्क किया ही नहीं वर्क तो किया ही नहीं तो वर्क नहीं किया मतलब फिर भी हम थक गए तो क्यों थक जाते हैं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लगने लगता है तो वर्क जीरो कब होता है देखो इस कुली भी क्या हो गया थकने लग गया थक जाता है कि नहीं सामान उठा के पर फिर भी उसने वर्क तो किया ही नहीं फिर भी थक गया तो वर्क कैन बी जीरो जीरो हो सकता है वर्क ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आ, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सर्कल में कोई अगर क्या कर रहा है कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है सर्कल में ट्रैवल कर रहा है तो उसका क्या होता है सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है है ना बट उसका डायरेक्शन तो देखो ऐसा है ठीक है उसके मोशन का डायरेक्शन ऐसा है तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना हुआ नाइन्टी डिग्री तो इसलिए इसका वर्क डन कितना हो जाता है जीरो हो जाता है तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसका वर्क डन कितना होता है जीरो होता है इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अर्थ और सन के बीच में क्या डन पॉसिबल है नो वर्क इज डन देयर इज नो वर्क डन देयर इज नो वर्क डन वाई क्योंकि देखो ये सन है अब इसके अराउंड ऐसे घूम रहे हैं कौन अर्थ अर्थ घूम रही है अब इस पर क्या हो रहा है एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम सेंटरपिटल फोर्स भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको खींचा हुआ है है ना अब इसका मोशन तो इस तरफ है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है नाइन्टी डिग्री तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई वॉकडाउन नहीं होता वैसे ही अर्थ के अराउंड कौन घूमते हैं सेटेलाइट्स घूमते हैं सेटेलाइट्स घूमते हैं तो सेटेलाइट को भी क्या हो रहा है ये सेंटरपिटल फोर्स से बांध के रखा हुआ है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और क्या हो रहा है इसका डिसप्लेसमेंट इस तरफ है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है वर्क डन जीरो होता है तो आप क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आप एनसीआर का क्वेश्चन एनसीआर डी की बुक में है क्वेश्चन ये सन के अराउंड अगर अर्थ घूम रहा है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो वर्क डन है वो क्या होगा जीरो होगा जीरो होता है क्यों होता है ऐसा करके रीजन टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो आपको बताना है कि क्यों होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है उनके बीच में लगने वाला फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है और कॉस्ट 90 की वैल्यू जीरो सारी कहानियां आपको समझ में आई बच्चों वर्कडाउन से रिलेटेड आपको अप्रॉक्स सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी है ना तो आज के लेक्चर में इतना है नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी पढ़ेंगे बच्चों ओके चैंपियंस तो प्रैक्टिस करते रहिए इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको भेजिए ठीक है तो पढ़ाई करते रहिए बाय टेक केयर इन द नेक्स्ट लेक्चर